आज हम लोग एयर मास की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, एक जायो है BS6, ठीक है, महिंद्रा की, उसमें एयर मास की दिक्कत हो रही है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी कोई DTC नहीं है, अभी लाइव डाटा पे क्लिक करते हैं और एयर सिस्टम ओपन करते हैं और लाइव पे क्लिक, ठीक है। ये लाइव ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपको वैल्यू सही शो नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अभी गाड़ी को स्टार्ट किया आइडल पे, तो आइडल पे हमारा जो एयर मास का फ्लो होना चाहिए वो 30 से 50 किलोग्राम पर आवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आइडल पे हमारा जो एयर मास फ्लो है वो सही है, ठीक है, 32 के आसपास है, जो कि आइडल RPM पे रहता है। चलिए आइडल RPM भी देखते हैं एक बार, जो कि 850 के आसपास रहता है, 850, ठीक है। अभी लाइव पर क्लिक किया, एक्यूरेट दिखाएगा RPM, अभी देखिए 850 RPM, ठीक है। अभी एयर मास की वैल्यू फिर चेक करते हैं, ठीक है, अभी आइडल पे है। अभी इसको 1 मिनट हो चुका है, हम इसको फुल एक्सीलरेट करेंगे। फुल एक्सीलेटर में 3500 RPM जाएगा, जिसमें 270 से 320 की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अभी फुल एक्सीलेट में ये 160 के आसपास जा रहा है, जो कि वैल्यू होनी चाहिए 270 से 320 किलोग्राम पर आवर्स, ठीक है। वैल्यू मैच नहीं हो रही है, जिसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी इंजन RPM देखते हैं, फुल है, देखिए 3500 इंजन स्पीड, ठीक है। और एक बार ECU की ID चेक करेंगे हम लोग, ये फुल RPM पे भी वैल्यू नहीं मैच हो रही है, जो कि 320 किलो होना चाहिए, 320 किलोग्राम पर आवर्स, ठीक है। ECU ID देखते हैं, डी डाटा सेट पड़ा है इसमें, डी डाटा सेट इंस्टॉल है, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट स्टेप करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले इसमें बी डाटा सेट इंस्टॉल करेंगे, बी फॉर बॉय, ठीक है। इसमें बी डाटा सेट को इंस्टॉल करेंगे ECM में, इन जहाँ पर आपने फाइल रखी होगी। फ्लैशिंग टूल खोलेंगे, सर्विस टूल 1.2, ECU नेम सेलेक्ट करेंगे और आपने जहाँ पर फाइल रखी होगी अपने लोकेशन पे, उसको यहाँ पर अटैच करेंगे, दोनों फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, इंजन की और व्हीकल की, फिर इसको फ्लैश करेंगे। फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें एयर मास की फ्लो में दिक्कत आती है, तो कई बार तो दिक्कत ही आती है, नॉक्स की चेक लैंप आती है, ठीक है, और रीजनरेशन के लिए बार बार आता है, डेल्टा प्रेशर के लिए प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें एक बार इसको चेक करना पड़ता है। एक बार अगर आप चेक करेंगे तो आप तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसका स्टेप ये है कि सबसे पहले आइडल पे चेक करना है आपको, ठीक है, और फिर फुल RPM पे। तो आइडल पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 30 से 50 किलोग्राम पर हावर्स होनी चाहिए, ठीक है, और फुल RPM पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 270 से 320 किलोग्राम पर हावर्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जायो BS6 के लिए, ठीक है। और अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती है तो आपको स्टेप ये करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको B डाटा सेट फ्लैश करना है, ठीक है, जब ये
हमारा बी डाटा सेट फ्लैश हो जाएगा, तो मैं स्टेप करूँगा आगे इसमें। तो बी डाटा सेट फ्लैश होने के बाद ठीक है, आपको इंजन को स्टार्ट करना है, ठीक है, वेट करना है 1 मिनट, ठीक है, आइडल पे। फिर फुल एक्सेलरेट करना है इंजन को, ठीक है, 1 मिनट। फिर उस पर ऑफ करना है इग्निशन को, ये स्टेप 5 टाइम करना है आपको, ठीक है, कि गाड़ी स्टार्ट की, आइडल पर रखा 1 मिनट, ठीक है, फिर फुल आरपीएम देकर रखा, ठीक है, फिर गाड़ी को बंद किया। ये स्टेप आपको 5 टाइम करने हैं, ठीक है, और कोई कोड अगर आता है उस पर तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको ये पांच स्टेप पूरे करने हैं, ठीक है, 5 टाइम, ठीक है। जब 5 टाइम आप कर लोगे, ठीक है, फिर आपको चेक करना है, ठीक है, कि वैल्यू सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर वैल्यू आपकी मैच करती है, ठीक है, कि आइडल पे 3 से 50 किलोग्राम पर आवर्स के अंदर है और फुल पे 270 से 320 किलोग्राम पर आवर्स के अंदर है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको डी डाटा सेट फ्लैश करना है फिर से, जो कि इसमें भी डी था, फिर आपको डी फ्लैश करना है फिर से, ठीक है। और डी फ्लैश करने के बाद आपको जो बी में स्टेप किया था 5 टाइम्स, वो आपको स्टेप करना है 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स करने के बाद फिर आपको चेक करना है इसको, कि आपका जो एयर मास का फ्लो है वो सही हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और डी डाटा सेट जब आपका फ्लैश कर लोगे, ठीक है, 3 टाइम्स ओके, जो सर्किल पूरी करना है आपको, ठीक है, कि गाड़ी को स्टार्ट करना है, आइडल आरपीएम रखना है, ठीक है, 1 मिनट, फिर उसके बाद फुल एक्सेलरेट करके रखना है 1 मिनट, ठीक है, फिर बंद करना है, ये स्टेप आपको 3 टाइम्स करना है डी डाटा सेट फ्लैश करने के बाद, और बी में 5 टाइम्स, ठीक है। फिर आपको एयर मास का फ्लो चेक करना है, ठीक है, अगर आपका एयर मास का फ्लो ओके रहता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको एक बार सर्विस रीजनरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस रीजनरेशन कैसे करवाते हैं, उसके लिए हम आपको वीडियो बना के देंगे कि सर्विस रीजनरेशन कैसे कराई जाती है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हमारा बी डाटा सेट फ्लैश होगा, तो हम एक बार वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, और ये फ्लैश होने के बाद हम 5 स्टेप कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको वीडियो में दिखाएंगे, ये 5 स्टेप में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए पॉजिटिव रिस्पांस हो रहा है, इसी ऊपर रीसेट हो रहा है, बस आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, और प्रोसेस याद रखना है पूरा, ठीक है, कि आपको बी फ्लैश करना है, ठीक है, 5 टाइम्स करना है, उसके बाद डी फ्लैश करना है, 5 टाइम्स चेक करना है, ठीक है, और वैल्यू ज़रूर चेक करते रहना है आपको, कि आपके आइडल पे कितनी रह रही है और फुल आरपीएम पे कितनी है, ठीक है। जैसे कि हमारा अभी यूसी रीसेट हो गया, ठीक है, ओके हो गया, फ्लैश हो गया। अब जो हमने बी डाटा सेट फ्लैश किया है, ठीक है, इसमें एक बार वैल्यू देखेंगे, ठीक है, फिर मैं इसको 5 टाइम्स सर्किल पूरी करूँगा, ठीक है, वो मैं इसमें नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि 5 टाइम्स वही करना है, फुल आरपीएम पे और 1 मिनट वेट करना है बस, ठीक है। तो अभी पहले एक बार देखते हैं, इसी आईडी देखिए बी डाटा सेट फ्लैश है, ठीक है, फिर लाइव डाटा देखेंगे, एयर मास का फ्लो चेक करेंगे, और ये 5 टाइम का स्टेप आपको बहुत ही ज़रूरी है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई भी कोड्स आते हैं उसमें तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और सबसे लास्ट में सर्विस रीजनरेशन ज़रूर करवाना है, ठीक है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे कराना होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना होता, रूटीन्स में जाना होता है, ठीक है, और लास्ट में सर्विस रीजनरेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है, उससे सर्विस रीजनरेशन हो जाती है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अभी देखिए एयर सिस्टम पे आइडल पे वैल्यू ओके है, ठीक है,
आइडल पे वैल्यू ओके है। ये हमारा आइडल आरपीएम रहा, ठीक है। अब हम इसको फुल आरपीएम पे करेंगे, ठीक है। अभी आइडल आरपीएम है हमारा, इसको फुल आरपीएम करेंगे, ठीक है। हमने फुल आरपीएम कर दिया इसका, ठीक है। अभी एयर मास की वैल्यू चेक करेंगे फुल आरपीएम पे, ठीक है। ये 5 स्टेप मैंने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी देखिए ये 298 की वैल्यू है, ठीक है, जो कि 270 से 320 के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एयर मास का फ्लो है, ठीक है, वो ओके है, ठीक है। 5 टाइम स्टेप पूरा करने के बाद, ठीक है, 5 टाइम का स्टेप याद रखना है आपको। गाड़ी स्टार्ट करना है, आइडल पे 1 मिनट रखना है, ठीक है। फिर फुल एक्सलेट करके 1 मिनट रखना है, फिर गाड़ी बंद करनी है, सेम रिपीट स्टेप 5 बार, ठीक है। और डी डाटा सेल फ्लैश करने के बाद 3 बार, ठीक है। मैं इसमें भी डी डाटा सेट फ्लैश नहीं करूँगा, ठीक है। वो आपको पता है कैसे फ्लैश किया जाता है, ठीक है। उस पर वीडियो बना रखी है मैंने, जैसे सेम मैंने बी का किया है वैसे डी डाटा सेट फ्लैश होगा, ठीक। डी डाटा सेट फ्लैश करने के बाद आपको 3 बार ये स्टेप करना है, ठीक। थैंक यू।